नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में गाय भैंसों की करें उचित देखभाल। अनाज का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण करने के उपाय। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दूध का उत्पादन तभी संभव है जब इनके आहार एवं आवास का प्रबंधन और साथ ही टीकाकरण मौसम के अनुसार किया जाए। तो गर्मियों के समय में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता। और अभी जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि गाय और भैंस का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए। उनका एक आवास प्रबंधन होता है, एक उनका खाने पीने का प्रबंधन होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आवास प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि बहुत सी बार अपन देखते हैं कि गर्मी में दोपहर में गाय भैंस घूमती रहती है, तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि वो बाहर सुबह के टाइम जाए और शाम के टाइम जाए, दोपहर में धूप में नहीं घूमे। जो हमारा शेड रहता है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी ऐसा होना चाहिए कि स्वस्थ हवा जो आती है वो आए लेकिन धूप नहीं आए। तो शेड का जो निर्माण करते हैं वो बड़ा टेक्निकल होता है, तो निर्माण भी अगर नया शेड का कर रहे हैं तो इस तरह से करना चाहिए कि धूप से बचाव हो और हवा बराबर आए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, और यदि आप इस मौसम में भी गाय और भैंसों से अच्छा दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गर्मी में आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इस मौसम में जो उसका जो आवास का प्रबंधन होता है उसमें हम ऐसी जगह उनको अगर दिन में भी हमको बांधना है तो बाहर ऐसी जगह हम बांधें जहाँ पर थोड़े पेड़ हो, छाया हो। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि जब बहुत सी बार गर्म हवा चलती है तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर टाट बांध सकते हैं या और कोई चीज़ बांध सकते हैं, और दोपहर के समय एक दो बार पानी ज़रूर उस पर छिनके। या तो आप टाट पर भी छिनक सकते हैं या डायरेक्ट भी, ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि अगर दो या तीन बार अगर आप पानी छिनक देते हैं तो उनको ठंडाई महसूस होती है। और कोशिश ये करें जो आवास रहता है उसमें अगर चादर वगैरह जो ऊपर रहती है, टीन रहता है, वो नहीं रहे, या तो वो जो कपड़े कवेलू वगैरह रहते हैं उसकी रहे, या फिर ऊपर कोई घास फूस आप डाल दें तो उनको सीधे डायरेक्ट गर्मी नहीं लगे, उनको ठंडा ही महसूस हो। दूसरी चीज़ ये रहता है गर्मी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा शेड रहता है उसमें कभी हवा नहीं आती है तो हमको पंखे भी लगाना चाहिए। वो हमने देखा है कि जैसे अभी विदेशी नस्ल की संकर गाय वगैरह हम लोग रखते हैं, इन जो विदेशी नस्ल के पशुओं के लिए अगर आप कूलर भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें हमारी उत्पादकता बनी रहेगी और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामान्यतः देखा गया है कि जो बड़े जानवर रहते हैं उनकी बॉडी से गर्मी निकलती है, पास पास बांधने से एक तो बाहर की गर्मी रहती है, एक उनकी बॉडी की गर्मी रहती है, उनके शरीर की गर्मी जो रहती है तो उससे वो और ज़्यादा उनको गर्मी महसूस होती है। तो आवास प्रबंधन में देखा गया है कि उनको थोड़ी दूरी पे बांधे, ठंड में ये सब चीज़ चल जाती है पर गर्मी में इससे कारण दिक्कत होता है। गर्मी के मौसम में हमने देखा है कि अक्सर ये मक्खी ज़्यादा होती है या दूसरे पिस्सू वगैरह जो रहते हैं, भाई परजीवी जो रहते हैं वो भी हमारे पशुओं के ऊपर चिपके रहते हैं। ऐसे समय में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास स्वास्थ्य का प्रबंधन या साफ सफाई अच्छे से हम करें। उसमें हम फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं, फिनाइल से क्या रहता है कि मक्खी वगैरह नहीं आती है। किसान भाइयों, अभी आपने गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय और भैंसों के आहार प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है।
जिससे इन पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सके और अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सके। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे गर्मी में हरा घास की कमी रहती है, कोशिश ये करें कि उनको कम से कम 20% हरा घास उपलब्ध कराएं। हरा घास का फायदा ये रहेगा, उनको पानी की कमी भी नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि अपनी दुग्ध उत्पादकता लगभग 30% तक कम हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो जो दुग्ध उत्पादकता कम होती है उसको भी रोका जा सकेगा। उनको भूसा भी दें। और दूसरा चीज़ है, थोड़े से अगर हो सके तो कंसेंट्रेट जिसको हम बोलते हैं, दाना वगैरह देते हैं, वो भी उनके डाइट में हमको शामिल करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं, और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं, या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें, और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। अब हम अगली बात करेंगे कि इनको जो आवास हम बनाते हैं उसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए, ताकि उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके। पानी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो, उनको मिनरल्स वगैरह मिले। वैक्सीनेशन से हम बीमारी आने के पहले ही हम उसको बचा सकते हैं पशुओं को। वर्तमान में जो हमारे गाय और भैंस की वैक्सीन है उसमें मुख्यतः मुँह और खुर की बीमारी, जिसको हम FMD बोलते हैं, फूड एंड माउथ डिसीज़, HSBQ बोलते हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और प्राइवेट कंपनियों की कृमिनाशक दवाई देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे वैक्सीन का असर जब ही मिलता है जब हम उनको कृमिनाशक दवाई देते हैं, जिसको हम डीवर्मिंग भी बोलते हैं। कृमिनाशक देने के बाद कम से कम हम एक भी सप्ताह का हम अंतराल उसका रखते हैं, उसके बाद उसका हम टीकाकरण करते हैं। और टीकाकरण में हमारे कृषक भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक टीकाकरण के बाद हमको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उतनी नहीं मिल पाती, इसलिए हमको उसका जो बूस्टर डोज, हम जैसे हमने कोरोना में बूस्टर लगवाया हम लोगों ने, इसी तरह पशुओं में भी जो टीके का बूस्टर लगने के बाद ही पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो पाती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भिंड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे भीड़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और ATS की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद, एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज, वकील के भाई और बेटे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में ISIS के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान फसलों की मड़ाई करके अपने अनाज को मंडी में बेच देते हैं या फिर भंडारण के लिए भंडार गृह में रख देते हैं, और भंडारण के दौरान कुछ खामियों के चलते अनाज में कई तरह के कीड़े लग जाते हैं जिससे अनाज जल्दी खराब हो जाता है। तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए आप अनाज का सुरक्षित भंडारण कैसे करें ताकि आपका अनाज लंबे समय तक बिना खराब हुए सुरक्षित रह सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ हरलाल मीणा।
आजकल ये देखा गया है कि प्रोडक्शन तो खूब ले लेते हैं किसान भाई, पर उसमें क्या अनाज भंडारण करते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी समस्या आने लग जाती है, जैसे कीटों की और बीमारियां काफ़ी लग जाती है, जिससे क्या कि किसान लंबे समय तक उसको सुरक्षित नहीं कर पाता। इसलिए अनाज भंडारण कैसे करना है, इसके लिए यह देखना चाहिए कि भाई बीज में नमी परसेंट कितना चाहिए। अगर नमी ज़्यादा होगी तो उसमें कीट व बीमारियां बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसको सही रखने के लिए पहले तो किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि नमी की परसेंट कितनी चाहिए। जैसे दलहनी फसलों में नमी का परसेंटेज होना चाहिए 8 से लेके 9% तक, या 10% तक भी रख सकते हो आप। और जो सीरियल क्रॉप है, जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इसमें 10 से लेके 12% तक नमी की आवश्यकता होती है। इसमें अगर इतना रखते हैं ना, तो इसमें ना तो बीमारियां लगती है ना कीट लगते हैं, इससे आप सुरक्षित रख सकते हो अनाज को। अनाजों का भंडारण बोरे में या ड्रम में किया जाता है। अगर आप बोरों में भंडारण कर रहे हैं तो जिस कमरे में भंडारण करना है उस कमरे का उपचार जरूर कर लें। इसके लिए मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे जहाँ पर आप भंडारण करते हो वहाँ पर एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर ना तो नमी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, जिससे क्या कि नमी नहीं रहेगी तो उसमें फंगस नहीं आएगा और बैक्टीरिया नहीं आएगा, कोई कीट नहीं लगेगा। एक तो ये है, और इसके अलावा अगर बोरियाँ अगर पुरानी यूज़ कर रहे हो तो मेलाथियान से उपचारित करके बोरियों को और फिर उसको सुखा के अच्छी तरह और उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी कोई कीट लगा हुआ है या बीमारी लगी हुई है तो वो उससे दूर हो जाएगी। जहाँ पर भंडारण करना है वहाँ पर बिल्कुल पैक होना चाहिए भंडारण घरें, और उसके आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और कोई छेद हो या कुछ भी हो ना तो उसके लिए उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी बीमारी फैलाने वाले कीड़े हैं या रोटेंड्री है, चूहे हैं, वो और वहाँ आसपास कोई प्रकार का बिल इल नहीं होना चाहिए, उनको भी साफ सुथरे उसको पैक कर देना चाहिए। और चूहों से सुरक्षा के लिए 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइट के साथ 19 ग्राम सत्तू या आटा में थोड़ा सरसों तेल मिलाकर और 10 ग्राम की गोली बनाकर चूहों के आने जाने के रास्ते पर रख देना चाहिए। अगर ड्रम में भंडारण कर रहे हैं तो ड्रम की भी ठीक से साफ सफाई कर लें। भंडारण करते समय हवा के रुख का अवश्य ध्यान रखें। अगर पूर्वा हवा चल रही हो तो तब भंडारण का कार्य न करें। अगर आप भंडारण में जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो नीम के पत्ते या लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। देसी तरीके से जैसे नीम की पत्तियां हो गई, उसको सुखा के और उसको नाज में रख सकते हो। इसके अलावा हल्दी होगी, हल्दी का पाउडर भी हो गया, और नमक से भी कर सकते हो थोड़ा। और इसके अलावा आप लहसुन का भी उपयोग, इसके जो कीट होते हैं ना इसकी खुशबू से दूर चले जाते हैं। किसान भाइयों, एक और उपचार है रासायनिक उपचार। इसमें रासायनिक उपचार में एक तो EDB और पास्फोमिडोन, ये दोनों का उपयोग जरूरी है। अगर पास्फोमिडोन का उपयोग करते हो तो इसमें 3 गोलियां प्रति टन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या है कि कीट व बीमारियां नहीं आएगी, इससे आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। और जब भी इनका उपयोग करो, ये रासायनिक का, तो खिड़कियां दरवाजे सारे बंद होने चाहिए, जिससे कि जो रासायनिक प्रक्रिया होगी इससे क्या है कि भाई इसमें जो भी कीड़े बीमारियां लगने वाले इंसेक्ट होंगे ना, तो ये सारे मर जाएंगे। इसके बाद में आप इसको लंबे समय तक, आप बीज भंडारण को लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हो, जिससे कि आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हो। और आप जब भी कोई भाव आए उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेल कर सकते हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे बीढ़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और ATS की ज्वाइंट एक्शन में वकील
अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद। एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज। वकील के भाई और बेटे समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बोले, मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्ला ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा, मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग। कार जलकर खाक। तीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में 2 से 5 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा पूर्वी दक्षिण दिशा से 18 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज रोशनी से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसान भाई कपास की बुआई के लिए खेत को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें, बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसानों को सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से बीजों के अंकुरण और उत्पादन में वृद्धि होगी। अरहर की उन्नत किस्मों में पूसा 2001, पूसा 991, पूसा 992, पारस मानक, UPAS 120 का चयन कर सकते हैं। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबा कर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पेराथियन 2% धूल का भुरकाव करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया जिला विदिशा के किसान विवेक सिंह ने। आप इस समय नींबू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो विवेक सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई नींबू के बगीचे लगाकर रखे हुए हैं और नींबू के बगीचे से काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि देखभाल है वो अच्छी तरह से हो। जैसा कि किसान भाइयों को मालूम है कि यह नींबू अगर पानी मिलता रहे तो साल भर थोड़ा थोड़ा फलता रहता है। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए, इसके लिए पौधों के आसपास एक मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं। पानी की मात्रा भी एक निश्चित जितनी आवश्यक है उतना देना जरूरी होता है, अन्यथा फलों का गिरना उसके कारण भी हो सकता है। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पानी थाले में इतना भर देते कि वो कई दिनों तक भरा रहता है, जिससे फल बढ़ने की जगह पीले पड़ के गिरने लग जाते हैं। तो पानी की अधिकता फलों के गिरने में सहायक है, अतः पानी ना भरा रहे इस हिसाब से पानी हल्का दें। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए, बाग में पानी का रुकाव ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है, अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। उसके पश्चात जो उस आपके उर्वरक हैं, खाद हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फूल आने के पहले किसान भाइयों ने कुछ उर्वरकों की मात्रा, खाद की मात्रा दे रखी होगी और कुछ मात्रा शेष रह गई होगी, उस मात्रा को जो भी पौधे की आयु के अनुसार जो जैसे बगीचे हैं उस तालिका के अनुसार किसान भाइयों को हमारे कृषि विश्वविद्यालय से तालिका में दिया हुआ है, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, ऐसे 10 वर्ष तक के पौधों के लिए अलग अलग मात्रा में उर्वरकों को देना है और खाद की मात्रा देनी है। और सबसे बड़ी एक और किसान भाइयों को समस्या जाती है कि गर्मी के समय में फल फटने लगते हैं। फल फटने का कारण होता है भूमि में नमी की कमी या पोषक तत्वों की कमी, वातावरण में तापमान का बढ़ जाना। जब ये तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से फलों का फटना बढ़ता है और उससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। इसके लिए किसान भाई नमी बनाए रखें, अगर नमी बनी हुई हो फिर भी फल फट रहे हैं तो बोरान की कमी है, बोरान का 0.4 से 0.5% का घोल बनाकर उसका 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर केवल 2 छिड़काव कर दें तब भी पर्याप्त है, फल नहीं फट पाएंगे। अब बात आती है कि किसान भाई इसमें कुछ कीट भी आते हैं, जैसे कि पत्ती में देखेंगे कि सुरंग सी बन जाती है, जैसे कि नीचे अंदर एक छोटी सी इल्ली होती है तब ऊपरी सतह जो होती है मोम की परत के अंदर वो हरे रंग को जिसको क्लोरोफिल कहते हैं वो खाता है और इसको सुरंग कीट भी कहते हैं। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए कोई भी हमारा कीटनाशक डाइमिथिएट 1.5 से 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको पानी में घोल लें और इसका छिड़काव अवश्य करें ताकि इसका पूर्णतः नियंत्रण हो जाए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पत्ती खाने वाली एक इल्ली भी आती है, एक तितली होती है जो कि अंडे दे देती है पत्तियों पर, वो निकल कर उसकी लार्वा फिर वो पूरी पत्तियों को खा जाती है जिससे कि पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। तितली के गीदार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। बाग में कैंकर, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। नींबू में सबसे बड़ी समस्या आती है एक कैंकर, किसान भाइयों ने देखा होगा कि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो बाद में जब विकसित होते हैं तो खुरदरे हो जाते हैं, अगर हाथ से उनको छुओ तो हाथ पे खुरदरापन लगेगा, तो छोटे 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 होके फिर मिक्स हो जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ती। यही नहीं, यह रोग आपके टहनियों पर भी और फलों पर भी पहुँच जाता है जिससे फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और बाज़ार में उनके अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 150 से 200 ppm का घोल बनाएं प्रति लीटर पानी में के हिसाब से और इसका छिड़काव
आप 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें 15-15 दिन के अंतर पर। और गमोसिस देखने में आ रही है आजकल आपके तने और शाखाओं से एक गोंद जैसा तरल पदार्थ निकलता है और फिर वहाँ से तने सड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं और पूरा की पूरा पौधा सूख जाता है। जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं ऊपर से उसको हल्का सा जो तरल पदार्थ निकला है उसको खरोंच के निकाल दें। इसके उपचार के लिए रोडोमील आता है, पेस्ट करके बना बनाया बाज़ार में उपलब्ध है, और इसको पेस्ट को लगा दें। दूसरा उपाय सबसे अच्छा ये है कि बोडो पेस्ट जिसमें चूना और नीला थोता का मिश्रण करके बनाया जाता है, यह भी बाज़ार में अब उपलब्ध हो गया, अन्यथा किसान भाई स्वयं बना लें और इसको भी लगा दें तो ये भी रोडोमील जैसा ही प्रभावी है। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें और तने को सीधा धूप ना लगने दें। तो किसान भाई इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें और भरपूर उत्पादन लें। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।